हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये है संडे वाले दिन का वीडियो, यानी कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले का वीडियो है। तो आप लोगों को रक्षाबंधन की, पूरी यूट्यूब फैमिली को, सारे बहन भाइयों को, सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। एक वाले का एक भाई बना रहे, जिसके दो भाई हैं दो भाई बने रहे भगवान की दुआ से। मेरी यही दिल से दुआ है कि सबके राखी घर में होती रहे। तो ये रक्षाबंधन से एक दिन पहले का वीडियो है फ्रेंड। तो हम लोग क्या कहते हैं, रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी कि रात में दीदी के घर पे गए थे, यानी कि हरिद्वार चले गए थे हम लोग। तो हम लोग हरिद्वार पहुँचे थे शाम को, रात को ही पहुँचे थे 8 बजे, और हम देर से ही चले थे संडे वाले दिन। तो कुछ वीडियो वगैरह 2 दिन से, आप लोगों को पता है जब रक्षाबंधन पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कहीं भी वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो पाता है, आप लोगों को पता है जब। और हम दोनों दीदी के राखी बंधवाने जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम हरिद्वार आए हुए हैं, फिर कल को जाएंगे सहारनपुर यानी कि बड़े वाली दीदी के घर। तो हम लोग रात को ही आए थे। रात को खाना पीना खा के दीदी कहने लगी थी चलो घूमने चलते हैं हरिद्वार में, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पे हरिद्वार में जो मेला लगा हुआ है, 1.25 महीने का मेला लगता है, वही आए थे हम लोग घूमने। तो यहाँ पे बच्चों को भेज दिया है ये फिश वाला देखने। दोनों बच्चे गुड़ियाएँ हैं बस अंदर, और बाकी हम लोग सब बाहर हैं, क्योंकि ये ना गुड़िया बच्चों की भी टिकट ले रहे थे। तो मैंने कहा तुम दोनों चले जाओ देखने बस, और हम लोग बाहर ही इंतज़ार करेंगे। तो ये गुड़िया थोड़ी सी वीडियो बना के लाई, देखी कितनी सुंदर सुंदर फिश है, एक से एक है, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा काश मैं भी चले जाती, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। मम्मी छोटी गुड़िया तो डर भी नहीं रही थी, क्योंकि वो आती रहती है ना, यहीं पे रहती है, तो इसलिए उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आरोही भी कहने लगी मम्मी मैं भी जाऊंगी। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर फिश हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना लाई थी, तो वही शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और इतना अच्छा लगा इन दोनों को यहाँ पे आके, बहुत अच्छा। देखिए कितनी कलरफुल है, कितनी प्यारी प्यारी फिश है, देखने का मन कर रहा था मेरा भी, मैं भी देखूँ इन्हें अंदर से जाके। तो यहाँ पे देखिए यही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, रक्षाबंधन से एक दिन पहले का वीडियो है ये। थोड़ा बहुत रक्षाबंधन वाले दिन भी मैंने क्लिप ले लिया था फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रात में ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर फिश है, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सब लोग बना रहे थे। मैंने सोचा काश मैं भी अंदर चली जाती, अब क्या फ़ायदा। और यहाँ पे दोनों गुड़िया घूम के फिर के बाहर आ गई थी, और मेले में भी सारे झूले हैं, और इतना अच्छा लग रहा था, वो दोनों बेटियाँ झूले में भी झूली तेरी, देखिए कितनी बड़ी मछली है यहाँ पे। तो चलिए अब दिखाते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है मेले का। और ये सारी फिश मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। तो ये देखिए इसमें दोनों गुड़िया बैठी हुई हैं, यानी कि दोनों की दोनों, मैं कहती डर जाओगी, नहीं हम तो इसमें ही झूलेंगे। तो दोनों की दोनों इसमें ही झूल रही हैं, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है फ्रेंड, मैं नहीं झूलती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बेटियाँ झूल लेंगी, इतने हम जो सामान लेना है छोटा मोटा, आप लोगों को पता है मेले में तो दुकानें लगी रहती हैं, तो वही सामान हम लोग देखने लग रहे हैं, एक दो छोटा मोटा। तो यहाँ पे ये झूला झूल रही हैं दोनों की दोनों, किल्ली मार रही हैं साथ के साथ, क्योंकि सब बच्चे थे ना, तो अच्छा लग रहा था। और टाइम भी बहुत हो रहा है, 11 बजे तो हम आए थे मेले में, और फिर भी 1 बज गया था, हमें 1 बजे गए थे, क्योंकि आधी रात का मेला होता है, आधी रात तक भरता है। तो 1 बजे तक भी इतनी रौनक थी फ्रेंड मेले में, बहुत ज़्यादा। 11 बजे हम घर से चले थे, और हरिद्वार में तो वैसे भी क्या की दीदी का रात में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, ये फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना के दे रहे थे, तो वही ले रहे थे हम लोग बच्चों के लिए भी। दीदी दे के आई है उन बच्चों, गुड़िया को देखिए, दोनों बैठ के खा लेंगी वहीं पे। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लेनी थी हमें यहीं बैठ के खाया था, और इतना मन लग रहा था ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। देखिए और भीड़ कितनी कम है, क्योंकि हम देर से आए थे ना, रात को इतनी देर से आए थे, इसलिए भीड़ कम दिख रही है, नहीं तो एकदम शाम के टाइम आओ ना, बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो यहीं बैठे हुए हम लोग, तो यहीं बैठे हुए बात कर रहे थे हम, फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी झूला झूलने लग रहे थे। तो जिया जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो लाना है, वो पानी वगैरह वही लाने लग रहे, मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को मेले के नज़ारा, कितना अच्छा लग रहा है।
और बच्चों के खिलौने तो इतने अच्छे अच्छे थे फ्रेंड, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हम कुछ देखने लगे थे इन दुकानों पे सामान, और जो चीज़ चाहिए थी वो भी ले भी रहे थे छोटी छोटी ज़रूरत की। तो यहाँ पे हम सारे घूमते फिर रहे थे मेले में। तो देखिए बच्चों के खिलौने, किट वगैरह, किताब, ये इनका ही बच्चों गुड़िया का ही सामान होता है बच्चों का। देखिए फैन कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे से। तो हम लोग एक दो चीज़ देख रहे थे गुड़िया के लिए, छोटे वाली के लिए डायरी वगैरह है, और कितना सुंदर सुंदर सामान है बच्चों का तो होता ही है फ्रेंड, बहुत प्यारा प्यारा सामान है। तो बस वही देख रहे थे, जो अगर लेना होगा गुड़िया लेगी, छोटे वाली गुड़िया ने लिए थे कलर बुक्स, बस यही होता है ना बच्चों का, तो कलर बुक्स ले लिया, बस यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए कंच के ये कितने सुंदर सुंदर पोर्ट हैं। तो यहाँ से देखने के बाद हम थोड़ी देर घूमने के बाद हम चल दिए हैं घर की तरफ। अब फ्रेंड सुबह को मिलेंगे आपसे रक्षाबंधन वाले दिन, और हम पूरा मेला खूब अच्छी तरह से घूम लिए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी जगह है मेला, रही गाड़ी हमने अंदर पार्क करी थी। तो चलिए फिर सुबह को मिलेंगे, मेले में भी घूम लिए, आप लोगों को भी घुमा दिया हमने। हरिद्वार का मेला बहुत भर रहा है इस टाइम ये। तो चलिए फ्रेंड आप लोगों से रक्षाबंधन वाले दिन मिलेंगे सुबह को, अपना सबका ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम, आप लोग कैसे आई हो, सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो हम आए थे रात दीदी के घर पे, तो नहा धो लिए हैं हम, तो यही वाला सूट डाल लिया है जो मैंने क्या कहते हैं मेला घूमने गई थी जब डाल के गई थी। तो नहा धो चुके हैं और खाना बनाने जा रहे हैं क्योंकि फिर पूजा होगी। तो हम दीदी के घर पर आए थे कहीं, तो चलिए देखिए कितना अच्छा व्यू है, अच्छा लगता है दीदी के घर, बहुत अच्छा। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किचन में, फिर मेरी वीडियो पे बने रहना। तो यहाँ देखिए फ्रेंड मैं किचन में आ चुकी हूँ, दीदी का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा लाओ चलो मैं बनवा देती हूँ, आप उतना और काम देख लो। तो यहाँ जब ये बन चुके थे लगभग, उसमें मैंने चीनी और काजू बादाम कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, और जब ये लगभग बन चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, अब इन्हें दूसरे बर्तन में करके चावल बनने रख दूँगी। और यहाँ पर दाल का लगा रही हूँ तड़का, दीदी के दाल चावल रोटी और जवे ये पूजता है खाना, ये ही खाना बनता है। हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो दूध के जवे बना लिया, और जो तो आप लोगों को खाना है वही बना लेते हैं, क्योंकि पूजता तो हमारे यहाँ पे दूध के जवे से ही है, और दीदी के यहाँ खाना बनता है पूरा, और एक थाली निकलती है दीदी के, तो उसी हिसाब से दीदी खाना बनाती हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं आपकी मदद कर दूँगी, आप थोड़ा सा काम कर लो। तो ये है ना थोड़ा खड़े खड़े करना होता है, वो कह रही थी लाओ मैं बना दूँगी, नहीं मैंने कहा आप बाहर का काम देख लो, मैं यहाँ का कर लूँगी। तो यहाँ मैं दीदी किचन में बना रही हूँ खाना, खाने में वही दाल चावल, और दीदी कह रही है ये जवे बन चुके हैं देखिए, अब इन्हें रित जाएंगे ना छोटे बर्तन में ठीक रहेगा। तो यहाँ फटाफट से दाल में लग रहा है तड़का, और हींग साबुत वाला है वही मैं हींग को तोड़ रही हूँ, थोड़ा सा टूट तोड़ के डाल दूँगी ना तो अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो यहाँ देखिए कढ़ाई काफ़ी तेज़ होगी, तो उसके बाद जीरा, हींग और जो टमाटर का ग्रेवी बना के रखी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। और दीदी के यहाँ पीस के ही टमाटर डाले हैं मैंने, बस कट करके नहीं डाले हैं। तो उसमें हमने सारे टमाटर डालने के बाद अच्छी गैस कम कर दी थी ना, तो उसे दोबारा जला लेती हूँ। और यहाँ पे टमाटर वगैरह हमने टमाटर हरी मिर्ची डाल दी, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, क्योंकि थोड़ा नमक मैंने उबलने में भी गिरा था, तो दीदी से मैं वही नमक मेरा पूछ रही थी कैसा रखना है, अपने हिसाब से घर पे तो अपने हिसाब से रखा जाता है कैसा कम ज़्यादा रखना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, क्योंकि थोड़ा नमक उबलने में भी गिरा था दाल में। तो नमक डालने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे फ्रेंड, वही उड़द की दाल बना रही हूँ मैं, धुली हुई उड़द की दाल है यही बनती है। वैसे भी हमारे यहाँ दशहरे पे या ज़्यादा से कुछ काम होता है तो यही वाली दाल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दाल में लाल मिर्च, गरम मसाला, यही सारे मसाले जो होते हैं वही ऐड कर दिए हैं, अब अच्छी तरह से मसाला तैयार हो जाएगा। यहाँ चावल बनने लग रहे हैं फ्रेंड, और बच्चे मेरे राखी बांधेंगे, वही मैं वहाँ तक आप लोगों से शेयर करूँगी, और जो इससे आगे वाली वीडियो है वो आप लोगों से अगली वीडियो में मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए मैंने छोटी ही रख दी, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ देखिए खाना बिल्कुल लगभग रेडी हो चुका है, बस रोटियाँ सेकनी है, वो दीदी कह रही थी मैं खुद सेक लूँगी।
तो यहाँ देखिए मैंने दाल में अच्छी तरह से तड़का लगा दिया है। थोड़ा सा डाल लेती हूँ इसमें पानी, क्योंकि जिसमें टमाटर पीसे थे ना मैंने, अब इसमें काफ़ी टमाटर थी तो वही पानी हम इस दाल में ऐड कर देंगे। और देखिए दीदी का मंदिर भी किचन में बना हुआ, एक साइड में इधर की तरफ दीदी खाना बनाती है, इधर की खिड़की की तरफ दीदी का मंदिर है किचन में ही। तो यहाँ देखिए हमारी दाल लगभग तैयार है, दाल भी, यहाँ चावल भी रेडी हो चुके, देख लेते हैं क्योंकि मैं खोल के खुले हुए ही चावल बनाते हैं यहाँ पे भी और हमारे घर पे भी। तो यह देखिए मैंने दाल में डाल दिया है पानी, अच्छी तरह से खद्दा आ जाएगा उसके बाद हम इसमें दाल में डाल देंगे तड़का, क्योंकि और फिर दीदी रोटियां सेक के प्लेट लगा देंगे। तो चलिए बाहर पूजने लग रहा है इतने में वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए दाल सब तैयार है, बस रोटियाँ सीख रही हैं, सीख भी गई हैं, बस अब प्लेट लग चुकी है। तो पहले पहले भी जब वो से पूजा हो जाएगी उसके बाद क्या कहते हैं फिर खाना पूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जीजा जी और बेटा मेरा प्लेट पकड़ रखी है उसने, क्योंकि दो जने ज़रूर चाहिए होते हैं सोन पूजने के लिए। तो देखिए सारे गेटों पे सोन लग गए हैं हमारे, हमारे ये सोन लगा के पूजे जाते हैं, वहाँ पे मम्मी ने भी घर पे पूजा था। तो यहाँ देखिए गेट पे भी सोन से पूज रहा है, और ये हमारे ये सोन ज़रूर लगाते हैं पूजने के टाइम पे, और फिर कलावे से पूजता है। तो चलिए दिखाती हूँ, खाने की ताली लग चुकी है जो मंदिर में जाएगी। तो देखिए जवे चावल लोटा दाल रख लिया है, और यहाँ पे रख लिए हैं, बन चुके हैं चावल, सबका खाना लग जाएगा एक साथ। इसमें रोटियाँ बन गई हैं, ये देखिए दूध के जवे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, और ये दाल भी रेडी है गर्मा गर्म। खोल के दिखाती हूँ आपको कुकर, तो ये दाल भी तैयार है। तो फ्रेंड यहाँ पे बन रही है बच्चों की राखी, दोपहर का टाइम हो गया है, पहले बच्चे बांध लेंगे फिर हम लोग बड़े बांध लेंगे। तो बस ये वीडियो इतनी ही है फ्रेंड, आगे का इसमें अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं सबने कैसे राखी हमारे बांधी। तो फ्रेंड यही वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अगर रक्षाबंधन की अच्छी लगी होगी, अगर मैंने मेला दिखाया वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे राखी बांध रहे थे, गुड़िया पे बंधी नहीं थी, फिर इसकी बुआ ने बांध दी थी। तो यहाँ पिट्टे के बन चुकी है, अब गुड़िया भी बांध देगी। लड्डू गोपाल जी के भी सबसे पहले राखी बंधी थी हमारे, मैं उस टाइम उसकी वीडियो नहीं बना पाई थी लड्डू गोपाल जी की जब राखी बांधी थी। तो अब यहाँ पे गुड़िया बांध देगी अपने भाई के राखी, तो विजय नहीं को समझ में नहीं आते, इधर बैठे इधर बुआ बताने लग रही थी उसे। तो यहाँ पे ये भी इसके राखी बांध देगी, और फिर बस हम लोग भी तैयार होने लग रहे हैं, हम भी राखी बंधवा लेंगे। और मैंने राखी भिजवा दी थी अपने भाई की, क्योंकि भाई को छुट्टी नहीं मिलती है तो इसलिए भाई आ नहीं पाता है, नहीं तो भाई आ जाता था। तो उससे मैंने कहा मैंने राखी भिजवा दूंगी, कोई भी छोटी बहन गई थी ना मेरी तो उसके हाथ मैंने राखी भिजवा दी है। मैंने कहा बहन तू ही ले जाके बांध दिए मेरे नाम की भी। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया बांध रही है अपने भाई के राखी, और वंशु ये गुड़िया ने भी बांध दी है छोटे वाली ने भी। तो चलिए फटाफट से बन गई है दोनों बहनों की राखी, फिर उसके बाद मिठाई खिला देंगे, हम लोग भी रेडी होके खाना खुना खा के फिर हम भी निकल चलेंगे, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी क्योंकि आगे लंबा रास्ता हो जाता है, फिर रात को ही हमें अपने घर भी जाना है क्योंकि अगले दिन इसके पापा की फिर बुक है। तो मैंने कहा हम रात को ही निकल जाएंगे यहीं से, यहाँ से सीधा सहारनपुर, सहारनपुर से सीधा घर। तो कक्का देख रहा था मेरा वीडियो में। तो यहाँ देखिए इसने इसके राखी बांध दी है, अब उसके बांध देगी दूसरे भाई के। यही है ना कि सब बच्चों होता है लड़कियों को कि राखी बांधेगी, फिर जिया जी इसकी फ़ोटो खींच रहे थे राखी बांधी हुई हाथ पे। तो ये कक्का कह रहा था वाली मैंने बांधी, वाली होता है ना बच्चों को लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ देखिए बच्चों की राखी बन चुकी है, दूसरे भाई के भी राखी बांधने लगी है। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अगर अच्छी लगी होगी तो फिर से कहती हूँ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो जब तक के लिए बाय बाय, अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखिए, राखी खूब दिल से मनाइए।